नमस्कार दोस्तों, दिव्यम ज्योतिष में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार चर्चा करेंगे मकर राशि में मंगल। जो भी व्यक्ति पर्सन की कुंडली में मंगल मकर राशि में होगा, उसका फल किस हिसाब से होगा, क्या फलादेश होगा उसका, ये देखेंगे। मंगल सबसे पहले देखेंगे, मंगल है आवेश, मंगल है एक मिलिट्री मैन, मंगल है एक जुस्सा, जो व्यक्ति पर्सन के अंदर एक फास्ट काम करने की जो तकनीक है वो मंगल के अंदर देखी गई है। जितने भी मंगल प्रधान जो लोग हैं, जो व्यक्ति पर्सन है, उनका जो काम करने का तरीका है वो लोगों से अलग है। वो एकदम फास्ट काम करते हैं, वो नीति नियम से चलते हैं, उनको गलत चलता नहीं है। उनको हमेशा सीधा साधा और अच्छा काम चाहिए और एक एक्यूरेट काम चाहिए। मंगल एक साहसिक व्यक्ति है। मंगल जिनकी भी कुंडली में ऊंच का होता है वो व्यक्ति पर्सन हमेशा शिस्त में रहता है, शिस्तबद्ध उसको चलना पड़ता है। और उसका जो नेचर है वो हमेशा एक हाइपर टेम्पर जैसा रहता है। वो कभी भी वो स्लो नहीं चलता है, कभी भी उसका दिमाग ठंडा नहीं रहता, वो हमेशा गर्म दिमाग का रहता है उसको। क्योंकि मंगल के अंदर क्या है, गर्मी है, मंगल के अंदर ताकत है, मंगल के अंदर एक शौर्य, मंगल माने एक सेनापति, मंगल माने एक पुलिस वाले जितने भी है, मिलिट्री मैन जितने भी है, बड़े बड़े जो साइंटिस्ट है, बड़े बड़े जो मेडिकल डॉक्टर है, वो सब के अंदर मंगल तेज दिखा गया है। इसलिए मंगल मतलब मैचो मैन, जितने भी हीरो लोग हैं, जितने भी जो अपने देखते हैं बॉलीवुड के अंदर जितने भी हीरो हैं, वो उनका मंगल तेज दिखाया गया। मंगल जब भी होगा तभी आप हीरोगिरी कर सकते हैं, हीरो बन सकते हैं। मंगल तेज होगा तभी आप मिलिट्री में जा सकते हैं, मंगल तेज होगा तभी आप कलर केमिकल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से लगता काम कर सकते हैं। इसलिए जो भी व्यक्ति की कुंडली में मंगल मकर राशि का होगा, ऊंच का होगा, उसमें मंगल ऊंच का होता है। ऊंच का मंगल माने वो बंगले में रहने वाले रहते हैं, जैसे फ्लैट और बंगला रहता है, वैसे मंगल की जो डेफिनेशन है वो होता है बंगला। ऊंच का जो ग्रह होता है वो बंगले में रहते हैं और जो स्वग्रही ग्रह है वो फ्लैट में रहते, उस टाइप का अपने एक प्रिडिक्शन रखेंगे। इसलिए यहाँ मंगल जो है वो ऊंच का है, वो बंगले के हिसाब से रहने वाला है, जो बंगलोज है वो सब यहाँ इस टाइप का इसकी डेफिनेशन की जाएगी। इसलिए मंगल जिसका भी ऊंच का कुंडली में होगा वो व्यक्ति पर्सन हमेशा शौर्यवान होगा, हमेशा हिम्मतवान होगा और हमेशा आगे उसकी चलने वाला होगा। सबके अंदर उसकी जो स्ट्रेंज है, उसकी जो चाल है, वो सबसे आगे रहेगी, वो सबसे फास्ट भागने वाला रहेगा। जो भी व्यक्ति पर्सन गाड़ी चला रहे हैं वो उसको ओवरटेक नहीं करेगा, ये ही सबसे आगे रहेगा। इस टाइप के इन लोगों की मेंटालिटी रहती है, वो सबसे आगे रहने वाले रहते हैं, वो पीछे रहना उनको पसंद नहीं है। लाइफ में भी वो सबसे फास्ट होते हैं, उनकी जो पढ़ाई है वो भी सबसे फास्ट होती है। इनका जो फ्यूचर है मतलब वो अच्छा ही रहता है ज़्यादातर। इनके जो बिजनेस है, प्रोफेशन है, उनमें भी ये लोग सबसे आगे रहते हैं, उनको पीछे रहना कभी भी मुनासिब नहीं समझते। इसलिए मकर राशि का मंगल बहुत ही अच्छा फल देता है। ये कुंडली है मशहूर फिल्म स्टार रजनीकांत साहब की, जो एक मामूली बस कंडक्टर में से आज बहुत बड़े फिल्म स्टार बॉलीवुड के बने हुए हैं। इनकी कुंडली में मंगल मकर राशि का 6th हाउस में देखा गया है, क्योंकि वो भाग्य होता है और राशि का भी स्वामी है। इस राशि के स्वामी के हिसाब से और भाग्य के हिसाब से ऊंच का ये बैठना मंगल ने उनको बहुत ही आगे लेके आया है। इसलिए आपकी भी कुंडली में मंगल अच्छा है, मंगल मकर राशि का है, तो आपको भी ये सब फल मिलने वाले हैं। अगर ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कीजिए और आपकी कमेंट्स हमें भेजिए। नमस्कार।